Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of August week 3. Read carefully, all the current affairs are important for your exam point of view. अच्छे तरीके से देखिएगा. Start करते हैं अपने first news के साथ और आज का हमारा first news आता है ये. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change भूपेंद्र यादव जो हमारे फॉरेस्ट एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, सभी को पता है, अभी अगर सुना हो आप लोगों ने, COP27 समिट हुआ था. COP27 वो जो क्लाइमेट चेंज वाला समिट होता है इजिप्ट में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें इंडिया की ओर से जो पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे वो इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था COP27 इजिप्ट में. ठीक है, भूपेंद्र यादव जी ने अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही है एलिफेंट रिजर्व एस्टेब्लिश कर रही है तमिलनाडु के अंदर अगस्त्य मलाई लैंडस्केप. ये तमिलनाडु का पांचवा एलिफेंट रिजर्व एस्टेब्लिश किया जा रहा है और ऑल ओवर इंडिया का 32nd एलिफेंट रिजर्व होने वाला है. आज तक इंडिया में 31 थे, अब 32nd बन रहा है अगस्त्य मलाई लैंडस्केप टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो अब क्या पॉइंट पता चला, इंडिया में टोटल एलिफेंट रिजर्व इंडिया में टोटल एलिफेंट रिजर्व अब कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे. नया एलिफेंट रिजर्व, 32nd एलिफेंट रिजर्व कहां पर बन रहा है, तमिलनाडु में. कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है. नाम क्या उसका, अगस्त्य मुनि, जिसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे, हमारे देश के जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था COP27 में जो इजिप्ट में हुई थी. ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट. अब आगे बात करें, COP27 तो इजिप्ट में हो गई, अब आगे बात करें तो COP28 कहां पर होनी है. ठीक है, COP28 की अगर मैं बात कर लेता हूं तो COP28 कौन से देश में होनी है, 2023 में, मींस नेक्स्ट ईयर, ये होनी है यूएई में. याद रखिएगा कहां पर होनी है, यूएई में होनी है COP28, ये क्लाइमेट चेंज समिट होती है. ठीक है, चलो, तमिलनाडु की बात चल रही थी तो तमिलनाडु के मैंने कुछ मंथ के और न्यूज भी ऐड कर दिए. जैसे तमिलनाडु ने टॉप किया है स्मार्ट सिटी मिशन में पैसा खर्च करने में. तमिलनाडु टॉप पर रहा है. जो एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस ने इंडिया की पहली फैक्ट्री लगाई है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की तमिलनाडु के चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस ने इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की फैक्ट्री लगाई है. तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तमिलनाडु ने अभी हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन कर दिया है और ऑनलाइन गेम्स भी बहुत सारी बैन कर दी हैं. कुछ गेम्स वो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ ही रहने दी हैं. तो ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग को बैन करने वाला इंडिया का पहला स्टेट तमिलनाडु. ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने पहली 3D रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहां पर लगाई, चेन्नई तमिलनाडु में. स्मार्ट सिटी मिशन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला तमिलनाडु बना है और 32nd एलिफेंट रिजर्व जो अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व है वो भी तमिलनाडु में बना है. तो ये सारी बातें तमिलनाडु के बारे में है और उसके साथ साथ इंडिया का पहला अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर, तमिलनाडु में जो गुंडे नेशनल पार्क है वहां पर बनाया गया है. और उसके साथ साथ तमिलनाडु में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्टेट 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में बनी है, जो तमिलनाडु की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में बनाई गई है.
तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी वहां पे, एलिफेंट रिजर्व वहां पर बना, ठीक है। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया, साथ साथ पहला पहला अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर वहां पर बना है, साथ साथ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने की फैक्ट्री है, साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन में सबसे ज्यादा खर्च किया। तो ये सारे पॉइंट आपको किससे दिख रहे हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु से, ठीक है। एक न्यूज था, बाकी सारे प्रीवियसली चलते हुए सारे पॉइंट्स थे। तो बार बार ऐसे रिवाइज करते हुए चलो, रिवाइज करते चलोगे तो चीजें याद रह पाएंगी, ठीक है। चलो अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है हमारा, द बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज। एक एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या है? UDARA, उदारा शक्ति। उदारा शक्ति एक्सरसाइज अभी इंडिया की एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच मलेशिया में हुई, जिसमें इंडिया की ओर से SU-3MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट मलेशिया SU-3MKV एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें ना तो बात पता चल रही है, इंडिया की ओर से कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया ये उनके नाम है, मलेशिया की ओर से कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया ये उसके नाम है, दोनों के नाम दे रखे हैं। बेसिकली एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनता है, अभी हाल ही में उदारा शक्ति एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ हुई? आपका आंसर क्या होगा? मलेशिया। उदारा शक्ति मलेशिया। कहां पर हुई एक्सरसाइज? मलेशिया में हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम पता चल गया, मलेशिया के साथ हुई है। आगे बात करें, उदार शक्ति तो पता चल गया, अब हमें इससे मिलते जुलते अगर शक्ति आ जाए, SHAKTI, शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति एक्सरसाइज कौन से देश के साथ होती है? पढ़ा रखा है तुम्हें, गरुड़ वरुण शक्ति डेजर्ट नाइट। ये गरुड़ वरुण शक्ति डेजर्ट नाइट फ्रांस के साथ होती है। किसके साथ? फ्रांस के साथ, ठीक है, याद है। फिर उसके बाद गरुड़ शक्ति, याद करो, गरुड़ ने शक्ति से शादी कर ली, गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। और समुद्र शक्ति भी कौन से देश के साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ होती है। तो ये दो इंडोनेशिया के साथ और शक्ति फ्रांस के साथ होती है, ठीक है, और उदार शक्ति ये मलेशिया के साथ होती है, ठीक है। ये एक्सरसाइज इसके नाम पता चल गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब न्यूज की ओर। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। सी फूड सभी को पता क्या होता है, ठीक है। सी फूड में जैसे फिशेज हैं, झींगा जिनको श्रिम्प बोला जाता है, वो पिंक रेवोल्यूशन वाले, रेवोल्यूशन का पूरा सेशन आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जो कहां पर होना है? कलकत्ता में नेक्स्ट ईयर में, जो 15th to 17th of February 2023 में कलकत्ता में होना है, जिसमें मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो याद रख लेना, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? द मेन पॉइंट इज दैट वेन्यू, ठीक है। कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कैलकटा के अंदर, ये मेन पॉइंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कैलकटा की बात चल रही है तो कैलकटा के बारे में दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आता है? कैलकटा हैज बिकम द फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू प्रिपेयर अ डिटेल रजिस्टर टू बायोडाइवर्सिटी नॉन एज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये मैंने न्यूज पुराना है, पहले पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता की बात चल रही थी तभी दोबारा बता रहा हूँ। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को तैयार करने वाला इंडिया का पहला पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सा बना है? कलकत्ता, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जिसमें हर एक प्लेस से रिलेटेड वहां पर क्या उगता है, क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटी होती है, उसका फ्लोरा एंड फौना क्या है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ओके, पहला कौन सा बना है? कलकत्ता। उसके बाद कलकत्ता के बारे में तुम वो भी तो पता है, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो कहां पर बन रही है? कलकत्ता में। अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता
कलकत्ता में बन रही है। तो तीन बातें हो गई, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला इंडिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी कलकत्ता, अंडर वाटर मेट्रो तैयार करने वाला पहला सिटी कलकत्ता, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो अगले साल कहां पर होने वाला है, कलकत्ता। तो ये तीनों बातें कलकत्ता 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 के बारे में, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, वो न्यूज भी क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया रोशनी। क्या लॉन्च किया? रोशनी, जो इंडिया का पहला सलाइन वाटर लालटेन है। पहला का पहला सलाइन वाटर लालटेन, मतलब देखो लालटेन सलाइन वाटर से ये क्या चलेगी, वो लालटेन बिजली देंगे सलाइन वाटर से, इसके अंदर सलाइन वाटर डालेंगे जिससे क्या होगा, वो लाइट जलेगी। इंडिया का पहला सलाइन वाटर लालटेन, लालटेन का नाम भी क्या रखा है, रोशनी। रोशनी किसने इनोग्रेट किया है, जितेंद्र सिंह जी ने, ठीक है। और ये किस लिए, ताकि वो जो उजाला योजना है ना, एलईडी को प्रमोट करने के लिए, उजाला योजना को बूस्ट मिल सके। आपको तीन योजना पढ़ा रखी है, एक तो थी उजाला, एक थी उज्ज्वला, एक थी उदय, तीनों में कंफ्यूज तो कोई नहीं होगा, उदय उजाला और उज्ज्वला। उज्ज्वला तो रिलेट करती थी एलपीजी से, उजाला किससे रिलेट करती थी, उजाला भी आप लोगों को पता है, उजाला तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। और उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये रिलेट करती थी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उदय उजाला और उज्ज्वला में, उदय उजाला और उज्ज्वला में, उज्ज्वला एलपीजी, उजाला एलईडी और उदय 24/7 इलेक्ट्रिफिकेशन से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज की ओर। साउथ ई स्विच ईआईवी 22 ने इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का उद्घाटन किया, और ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस, जो अशोका लीलैंड की सब्सिडरी स्विच मोबिलिटी ने बनाई है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने, जो अशोका लीलैंड की सब्सिडरी है, उन्होंने बनाई इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस, डबल डेकर बस, जिसको कहां पर चलाया गया, मुंबई के अंदर, ठीक है, मुंबई में ये लॉन्च की गई है, ठीक है, पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक बस भी आ गई, वो भी डबल डेकर, कहां पर, पहली बार मुंबई में, किसने बनाई, स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने, जो किसकी कंपनी है, अशोका लेलैंड की, ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। और अब बस की बात चल रही थी, तो एक और बस पर चर्चा कर लेते हैं, इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये भी महाराष्ट्र में चली है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये भी महाराष्ट्र में चली है। तो दोनों बसेस पता चल गई, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस और दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस, दोनों महाराष्ट्र के अंदर चलाई गई। ओके, आगे बात कर लेते हैं, केरला के ऊपर चलते हैं। केरला गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ऐप बनाई, लक्की बिल ऐप। क्या नाम है? लक्की बिल ऐप। इसमें पता क्या है, जैसे आपने कहीं से सामान खरीदा और उसका बिल नहीं लिया, तो उसको जो लोग बिल नहीं लेते हैं और जो देने वाले भी हैं वो नहीं देते, इसको क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को, लक्की बिल ऐप बनाई है। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सामान खरीद कर आया, फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बॉटल खरीद कर आया, तो ये पानी की बॉटल खरीदने के बाद जब मैंने उसको पैसे दिए तो उसने मुझे बिल नहीं दिया, तो मैं उसको कहूंगा भैया बिल दे दो इसका, तो उसने बिल दिया, तो नेचुरली बात है जब बिल होगा तो वो जीएसटी नंबर वाला होगा, वो जीएसटी वाला नंबर वाला बिल मैंने इस ऐप पर अपलोड किया, और ना फिर इस ऐप पर ना एक रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम सिलेक्शन होगा, उसमें 25 लाख रुपए तक के कैश प्राइज एक पर्सन जीत सकता है जिसका बिल उसमें सिलेक्ट होगा। तो नेचुरली बात है मैं ज्यादा से ज्यादा बिल डालूंगा,
मैं जब भी शॉपिंग करूंगा, मैं शॉपिंग करते समय उस शॉपकीपर को कहूंगा कि भैया मुझे बिल दे दो। मैं हमेशा बिल लूंगा, वो बिल नंबर, इनवॉइस नंबर विद जीएसटी नंबर उस दुकानदार के वहां पर अपलोड करूंगा। उसके बाद हो सकता है कि मेरा वो बिल सिलेक्ट हो जाए और मैं 25 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकूं अगर मैं केरला का निवासी हूं। तो बहुत बढ़िया सा इनिशिएटिव लगा मुझे भी। तो केरला गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम रखा है लकी बिल ऐप। लकी बिल ऐप याद रख लीजिएगा, लकी बिल ऐप। केरला की बात चल रही है, केरला की बात चल रही है, तो केरला के बारे में बाकी अनदर न्यूज पर चर्चा कर लेते हैं जो अभी कुछ चल रहे थे। 18th इंटरनेशनल टेली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, 18th इंटरनेशनल टेली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस कहां पर? कलकत्ता के अंदर। केरला, सॉरी कलकत्ता, केरला कह रहा हूँ यार, केरला, कलकत्ता नहीं केरला, कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है? केरला, तो केरला की बात चल रही है। एक तो केरला ने अपना लकी बिल ऐप को शुरू किया, दूसरा केरला ने क्या किया, टैली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, टैली मेडिसिन कॉन्फ्रेंस अभी केरला में हुई। तीसरा, गोल्ड प्राइस को फिक्स कर दिया इन्होंने। जैसे गोल्ड प्राइस जो है वो हर जगह पर अलग 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 होते थे, तो अब गोल्ड प्राइस को फिक्स करने वाला इंडिया का पहला स्टेट जो बना है वो भी केरला ही बना है, ठीक है? और वो तो तुम्हें पता ही है, केरला ने अपना खुद का इंटरनेट सर्विस शुरू किया था, ठीक है? और खुद का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू किया था, याद है ना? खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट केरला, और उस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस, ठीक है? अपने खुद का इंटरनेट लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट केरला, उस इंटरनेट का नाम था के फोन, ठीक है? तो ये तो तुम्हें पता ही है। तो केरला ने एक तो गोल्ड प्राइस को यूनिफॉर्म कर दिया, इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस केरला के अंदर हुई, लकी बिल ऐप केरला की है, ठीक है? ये सारी बातें केरला से रिलेट करती हुई थी जो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। देखो अगला आता है मंडला, अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मंडला जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वो विच इज द ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। इंडिया का पहला पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, इंडिया का पहला पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो बना है वो कौन सा बना है? मंडला। मंडला कहां पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मंडला इंडिया का पहला पहला फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। अब लिटरेट की बात चल रही है तो मतलब लिटरेसी रेट तो तुम्हें याद होगी, इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। 21 वाला तो डाटा ही नहीं आया अभी, हम तो अभी इसी के ऊपर बात करेंगे। 74.04% एंड मैक्सिमम लिटरेसी इन केरला, ओके, मैक्सिमम लिटरेसी इन केरला एंड मिनिमम है ना, मिनिमम कहां पर है? बिहार में, ठीक है? ये तुम्हें पता ही है। चलो आगे बात चल रही है, तब मध्य प्रदेश की बात चल रही है ना, मंडला, मंडला मध्य प्रदेश में है जो पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। तो मध्य प्रदेश के बारे में एक और पॉइंट न्यूज चल रहा था पहले, मध्य प्रदेश के अंदर जो उज्जैन है महाकाल की नगरी, इन्होंने गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बनाए शिवरात्रि के अवसर पर, 11,71,000 दिए जलाकर, 11,71,000 दिए एक साथ जलाकर गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बनाया। डॉक्टर ए के द्विवेदी जी को मध्य प्रदेश रत्न अवार्ड मिला। मध्य प्रदेश रत्न अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर ए के द्विवेदी जी को। मध्य प्रदेश में अभी भोपाल में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी मीडियम में शुरू किया गया, मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी मीडियम में अभी जो शुरू किया गया है अमित शाह जी के द्वारा भोपाल से शुरू किया गया है। तो ये सारी बातें मध्य प्रदेश के बारे में है, एक बार दोबारा देख लो। मंडला इंडिया का पहला पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का। दूसरा, लैंड ऑफ महाकाल उज्जैन, उज्जैन ने गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बनाया 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाकर। उसके साथ मध्य प्रदेश रत्न अवार्ड दिया गया ए के द्विवेदी जी को, और भोपाल में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी मीडियम में शुरू की गई, ठीक है? चलिए वही भोपाल, भो से भोपाल, भो से राजा भोज एयरपोर्ट, याद है ना? भोज एयरपोर्ट भोपाल में पड़ता है। चलिए
ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं गोवा, अगले पर चलते हैं गोवा, गोवा और उसके साथ साथ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो इंडिया का पहला पहला हर घर सर्टिफाइड, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट और यूटी बना है। ध्यान से सुनो, पॉइंट है हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। हर घर जल तो पता है ना, हर एक के घर तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान चलाया था, हर घर जल, हर घर जल। उसी के अकॉर्डिंग ही अब कुछ ऐसी स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, यूनियन टेरिटरी को चुना जा रहा है जहां पर ये सारा काम पूरा हो चुका है, हर एक के घर तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, कौन सा बना है? ये बना है गोवा। हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी, ये बना है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले दोनों एक अलग अलग थे ना, दादरा नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था, अब दोनों इकट्ठे मिलकर एक ही यूटी हो गया ना। ठीक है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव ये इंडिया का पहला हर घर सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी बना है, और उसके साथ साथ बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ये बना है हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आ जाए, डिस्ट्रिक्ट की बात आ जाए तो बुरहानपुर, ओके, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट ये कौन सा है? गोवा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुके हैं। फिर चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर, और अगला न्यूज क्या आता है, जो महाराष्ट्र के अंदर दही हांडी होता है, दही हांडी को बना रहे हैं स्टेट का ऑफिशियल स्पोर्ट्स, स्टेट का ऑफिशियल स्पोर्ट दही हांडी को बना रहे हैं, जिसमें ये कहा दही हांडी में कई बार जैसे ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे गिरकर किसी की अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर उसको मिलता है, गोविंदास को और उसके साथ साथ जो बाकी जो लोग होते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए का, एंड इफ ही बिकम द पार्शियली डिसेबल, तो कोई भी गोविंदा, अगर उनको गोविंदा बोलते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए का उनको इंश्योरेंस कवर मिलता है, और उसके साथ साथ अगर कोई भी ऊपर चढ़ते हुए या कोई गिर जाए, उसकी कोई परमानेंट डिसेबल हो जाए, टांग, बाजू, आंख, कुछ भी ऐसा परमानेंट डिसेबल हो जाए, तो 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर वहां की महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। ठीक है, दही हांडी को क्या बना दिया? दही हांडी को स्टेट का स्पोर्ट्स बना दिया है, तो याद रखिएगा दही हांडी। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बना, फर्स्ट कंट्री टू लीगली प्रोटेक्ट द राइट टू एक्सेस फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स बाय पासिंग अ लॉ द प्रोडक्ट अ पीरियड प्रोडक्ट फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड एक्ट। सिंपल सी बात, क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड का पहला देश, वर्ल्ड का पहला देश जिन्होंने सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री किया, जिन्होंने सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री किया। ठीक है, इस कंट्री के स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ भाई, वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जहां पर फ्री है सैनिटरी प्रोडक्ट्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा बना है? वो है स्कॉटलैंड। बस ये याद रख लेना, स्कॉटलैंड कहां पर पड़ता है? यूके में पड़ता है। पहली बार क्लाइमेट इमरजेंसी स्कॉटलैंड में लगी थी। ठीक है, और क्या था स्कॉटलैंड के बारे में? स्कॉटलैंड में हाइड्रोजन को कुकिंग गैस में यूज करने वाला वर्ल्ड का पहला देश स्कॉटलैंड बना था। ठीक है, कुकिंग के लिए हाइड्रोजन को यूज करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड, उसके साथ साथ वुमेन्स के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री करने वाला वर्ल्ड का पहला देश स्कॉटलैंड बना है। ओके, और स्कॉटलैंड कहां पड़ता है? यूके में, और पहली बार इन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई थी। ये तीन बातें स्कॉटलैंड के बारे में छोटी छोटी सी याद रख लेना। आगे बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है टू एस्टेब्लिश फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल ऑफिस इन कुआलालंपुर। जो जो हिंदुस्तान HAL है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये अपना पहला अब ना ये इंडिया के लेवल, इंडिया से बाहर भी काम करेगा, इंडिया से बाहर भी ये हथियारों हथियारों के लिए काम करने वाला है। तो अब बात ये चल रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
ने पहला इंटरनेशनल मार्केटिंग और सेल ऑफिस, इंटरनेशनल मार्केटिंग और सेल ऑफिस कहां पर खोला है? मलेशिया। कहां पर? मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। ठीक है, सिंपल सी बात, किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। चलो आगे बात कर लेते हैं। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी विल इन्वेस्ट 665 करोड़। अबू धाबी की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो 665 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, जिसका 99% स्टेक वो खरीद रहे हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का 99% स्टेक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी खरीद रही है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने एक ऐसी ब्रांच खोली केरला में जहां पर सारी वुमेन्स ही वुमेन्स है। पहला ऐसा बैंक बना जिसने ऑल वुमेन ब्रांच खोली, एचडीएफसी बैंक। फर्स्ट बैंक जिसने ऑल वुमेन ब्रांच खोली, एचडीएफसी बैंक, और कहां पर खोली? केरला के अंदर खोली है। ठीक है, अब एक्सिस की भी बात कर लें। जब बैंकों की बात ही चल रही है तो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ जिनका नाम अमिताभ चौधरी है वो हाईएस्ट पेड एमडी बने हैं, हाईएस्ट पेड एमडी एंड सीईओ बने हैं 2022 के साल के लिए। हाईएस्ट पेड एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ। ठीक है, चलो अब एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई ने क्या किया? पहला स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच खोले। स्टार्टअप तो पता ना, वो छोटे छोटे स्टार्टअप जो खुलते हैं जिसमें यूनिकॉर्न, डेकाकॉन, हेक्टोकॉन, बहुत बार बता रखा है। स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच खोलने वाला इंडिया का पहला बैंक एसबीआई कहां खोली? कर्नाटका में। कर्नाटका में पहली स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच खोली, जहां पर लोन ज्यादा ज्यादा किसको दिया जाएगा? स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे बैंक से रिलेटेड पॉइंट। एक बार दोबारा बता दूं, एक तो हमारा बैंक से रिलेटेड ये था, एचडीएफसी बैंक ने ऑल वुमेन ब्रांच खोली केरला में, एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हाईएस्ट पेड एमडी एंड सीईओ बने अमिताभ चौधरी, एसबीआई ने क्या खोला? एसबीआई ने स्टार्टअप डेडिकेटेड ब्रांच खोली है, कहां पर? कर्नाटका में। तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेट करते हुए हो गए? ये आप लोगों को पता चल गया, सारे पॉइंट ये बैंकों से रिलेट करते हुए आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अपने अगले पॉइंट की ओर, तो अच्छे तरीके से देखना। चलो अगला आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अनाउंस किया विनर एंड ऑनरेबल मेंशन ऑफ द नेशनल सीएसआर अवार्ड। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, कंपनीज को जो एक अच्छा टर्नओवर, एक अच्छा प्रॉफिट लिए होती है, तो उनको ना अपने प्रॉफिट का 2% स्पेंड करना होता है किसके ऊपर? सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, तो अभी ना नेशनल सीएसआर अवार्ड दिए गए, तो सीएसआर अवार्ड जो मतलब बढ़िया खर्च करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च करती होंगी कंपनियां सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज पर, उनको अवार्ड दिए जाते होंगे। तो अभी कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने अवार्ड दिए, तो अवार्ड की बात चल रही है, उसमें कुछ दो अवार्ड की कैटेगरी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। कंपनीज हैविंग एलिजिबल सीएसआर स्पेंड इक्वल एंड अबव 100 करोड़, 100 करोड़ और उससे ज्यादा खर्च करने वाली कंपनियों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड टॉप पर रहा है। 10 करोड़ और 100 करोड़ के बीच वाली कंपनियों में टाटा स्टील टॉप पर रहा है। ठीक है, 100 करोड़ से ऊपर ज्यादा खर्च करने वाली कंपनियों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम टॉप पर रहा है, और 10 से लेकर 100 करोड़ के बीच में खर्च करने वाली कंपनियों में टाटा स्टील टॉप पर रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। कितना परसेंट खर्च करते हैं ये? 2%। मतलब इनका प्रॉफिट कितना होगा जब इनका 2% 100 करोड़ है? समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला जो आता है वो एक बुक पर बात आती है, पुतिन। सभी को पता है पुतिन जी पर एक बुक आई है, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स बायोग्राफी ऑफ रशियन प्रेसिडेंट। रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हुआ करते थे, रशिया के जो प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी की बायोग्राफी आई है, जो किसने लिखी है? फिलिप शॉर्ट ने। तो बस इतना सा याद रखना है, रशिया के प्रेसिडेंट की बायोग्राफी का नाम पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम, जो किसने लिखी है? फिलिप शॉर्ट ने। बस फिलिप शॉर्ट ने इसे लिखा है।
साथ साथ एक और बायोग्राफी आई, बायोग्राफी है ना द मेमोर टाइटल बीबी बीबी, ये किसने लिखी है, बायोग्राफी नहीं है ये बीबी किसने लिखी है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इजराइल के, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी बीबी माय स्टोरी, बीबी माय स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, एक व्लादिमीर पुतिन की ये तो बायोग्राफी है, वो फिलिप शॉर्ट ने लिखी है, और इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है बुक बीबी। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, सुल्तान अजलन शाह कप, सुल्तान अजलन शाह कप जो अभी हाल ही में कहां पर हुआ, मलेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर अभी हाल ही में 16 से लेकर 25 नवंबर को हुआ, जिसमें मलेशिया की टीम ने बीट किया साउथ कोरिया को और विनर रही अजलन शाह कप की। तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट ये, अजलन शाह कप कौन से खेल से रिलेट करता है, पॉइंट है ओके। अजलन शाह कप कहां पर हुआ, मलेशिया में, अजलन शाह कप में जीता कौन, मलेशिया, किसे हराकर, साउथ कोरिया को, ठीक है। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से रिलेट करता है, मलेशिया में हुआ, मलेशिया ने जीता साउथ कोरिया को हराकर, बस इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी डे पर, रिन्यूएबल एनर्जी डे मतलब अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस जो मनाया जाता है वो 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी डे, सभी को पढ़ा रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का 2022 का टारगेट क्या है, 175 गीगावाट, और 2030 का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट, याद है ना। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2022 का 175 गीगावाट, 2030 का 500 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारे देश में 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन द डे आल्सो कमेमोरेट्स द बर्थडे ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर इस डे को मनाया जाता है, ठीक है, याद रख लेना, ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी डे। और उसके साथ साथ अभी जो मैंने पढ़ाया 175 गीगावाट, ये टारगेट है 2022 का, ठीक है, इसको आगे डाइवर्सिफाई कैसे किया गया है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, जिसमें 175 में से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है, 60 गीगावाट विंड एनर्जी है, 10 गीगावाट बायो पावर है, और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से जनरेट करना है। तो 175 को ये चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 फ्रॉम सोलर, 60 फ्रॉम विंड, 10 फ्रॉम बायोमास एंड 5 फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो, ये भी देख लीजिएगा एक बार, ओके। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर राजीव गांधी जी के बारे में आपको पता चला, राजीव गांधी जी का बर्थडे ये कौन सा डे मनाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डे, और राजीव गांधी जी का यहाँ पर पता चल चुका है 7/7/20 अगस्त को ही, यहाँ पर देखो 20 अगस्त की बात चल रही है, 20 अगस्त को ही 7/7 राजीव गांधी जी की याद में सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डे और सद्भावना दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे और सद्भावना दिवस दोनों का दोनों एक ही दिन होता है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम डे पर होते हैं, सद्भावना दिवस हो चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी डे हो, ठीक है, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेज जो मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ा रखे हैं, कोई ना डे किसी ना किसी की याद में मनाया जाता है, जैसे इंजीनियर डे हर साल 15th ऑफ सितंबर को मनाते हैं, किसकी याद में, हमारे एम विश्वेश्वरैया जी की याद में। यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12th जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी की याद में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। यूनिटी डे 31 अक्टूबर 31st ऑफ अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल। साइंस डे ये मनाते हैं सीवी रमन जी की याद में हर साल
28th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि इन्होंने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। ये सारे डेज की लिस्ट आप लोगों को मैंने पहले भी बताई हुई है, एक बार ये दोबारा देख लीजिएगा। जैसे ये नया डिक्लेयर हुआ जेवेलिन डे, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा जी जीत कर आए गोल्ड मेडल, 7th ऑफ अगस्त को मनाते हैं। और राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर, बर्थ एनिवर्सरी पर सद्भावना दिवस और रिन्यूएबल एनर्जी डे, और डेथ एनिवर्सरी पर मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे 21st ऑफ मई को मनाते हैं। तो ये सारे डेज इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इनके ऊपर भी जरूर नजर मार लीजिएगा ये कौन कौन से डेज हैं। चाहे वो इंटीग्रेशन डे, इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी हो, वर्गिस कुरियन, इनके बारे में तो मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है वो व्हाइट रेवोल्यूशन वाला। स्टूडेंट डे 15th ऑफ अक्टूबर किसकी याद में मनाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। एजुकेशन डे, इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और उसके साथ साथ ये तो तुम्हें पता ही है डॉक्टर डे, विधान चंद्र रॉय जी की याद में 1 जुलाई को मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट है, इसको एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो सारे डेज भी पता चल गए, एक डे के साथ साथ सारे रिवाइज भी होते चले गए। तो ऐसे ही आप लोगों की क्लासेस चलती चली जाएंगी, अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और अपने माइंड में इसे सेट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ, अगस्त के week 4 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।